السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں، یاد رکھنا، چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں. نمبر ایک، انسان یہ سمجھے کہ میرے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے مگر وہ گناہوں سے نہ بچے تو یہ خوف بے فائدہ ہے. کل اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک طرف تو انسان کہیں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور دوسری طرف گناہ بھی کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ڈر جو ہونا چاہیے صحیح معنوں میں وہ ڈر نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں خوف خدا ہوتا تو ہمیں گناہ پر جرت نہ ہوتی، ہم گناہ سے بچتے. اس لیے فرمایا اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی جانتے ہیں، اللہ سزا دینا بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. ہاں، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے. اللہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں، لیکن ہم گناہوں سے بھی تو بچیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان پر محنت کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. ماں ہرگز نہیں چاہتی کہ بچے کو اپنے گھر سے نکالے. کوئی ماں ہوگی جو یہ سوچتی ہوگی میرا بچہ میرے گھر سے نکل جائے؟ نہ. لیکن جب بچہ حد سے زیادہ پریشان کر دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ایک حد اور ایک لمٹ پار کر دیتا ہے، تب جا کے ماں یہ قدم اٹھاتی ہے کہ اب تیرے لیے، بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا اب تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بچے کو نکال دیتی. ایک ماں نے بچے کو نکال دیا، بچہ چلا گیا. اس کے دل میں خیال آیا کہیں کسی کے گھر میں کچھ کام کر لوں گا، جوتے پولش کر لوں گا،
किसी के वहां काम करूंगा तो रहने को खाने को सोने को मिल जाएगा, कहीं कुछ कमा लूंगा। फिर उसके दिल में बात आई कि ये सब तो तू कर लेगा, लेकिन तुझे मां की मोहब्बत कहां मिलेगी। तो जब ये बात उसके दिल में आई तो वो दरवाजे पे आके सो गया। मां तो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि मां बच्चे को ऐसे ऐसे नहीं निकालती। उसने एक लिमिट पार कर दी थी, मां को परेशान कर रखा था। मां ने दरवाजा खोला किसी काम से तो देखा बच्चा सोया हुआ है। मां को और गुस्सा आया, तुझे कहा था चला जा, तू यहीं सो गया। बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा अम्मी मैं चला गया था, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बाहर कुछ कमा लूंगा, कुछ काम कर लूंगा, जूते पॉलिश कर लूंगा, किसी के यहाँ कुछ काम कर लूंगा, खाने सोने पीने को मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ की मोहब्बत कहाँ मिलेगी। तो माँ ने उसको सीने से लगा दिया। उससे ज्यादा तो उसकी माँ बेचैन थी कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गया होगा, कब आएगा, कैसे आएगा। वो माँ ने इसलिए नहीं निकाला था कि वो माँ के पास ना आए, इसके लिए निकाला था कि उसकी जो बुरी आदत है वो छूट जाए। अल्लाह ताला तो सारी दुनिया की माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला कैसे चाहेंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे। अगर जहन्नम में डालना होता तो अंबिया का सिलसिला जारी न फरमाते। अल्लाह तो चाह रहे कि हम सब कामयाब हो जाए। अब हमारा इम्तिहान है, हमारे सामने दोनों रास्ते, कामयाबी का रास्ता भी है, नाकामी का रास्ता भी है। अब हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? अब अल्लाह तो चाह रहे हैं कि हम कामयाबी के रास्ते पर आ जाए। अल्लाह तो चाह रहे हैं कि अल्लाह हर नमाज में तो हमसे पढ़वा रहे हैं अल्लाह ताला इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। माशाल्लाह आप तो तरावी पढ़ते होंगे, औरतें तरावी पढ़ती है तो 20 रकात में हर रकात में पढ़ती है इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, और फिर आखिर में आमीन भी कहती है सूरह फातिहा के बाद। और ये दुआ किसने सिखाई? का अल्लाह ने ही सिखाई। तो हम सच्चे दिल से पढ़े तो अल्लाह हिदायत दे देंगे, और हिदायत मिल जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत भी दे देंगे। तो असल बात यह है कि जब बंदा अगर एक हद पार कर दे, फिर अल्लाह को नाराजी कर दे, तो फिर उसका मामला और उस बंदे का अंजाम खतरनाक हो सकता है। इसलिए अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहिए। इसलिए फरमाया कि गुनाह छोटा हो या बड़ा, ये ना देखो छोटा है या बड़ा, ये देखो नाराज कौन हो रहा है, कौन नाराज हो रहा है। इसलिए गुनाह छोटा हो या बड़ा बचना चाहिए, जाहिरी हो या बातिनी बचना चाहिए, मजलिस में हो या तन्हाई में हो बचना चाहिए, और नेकी छोटी हो या बड़ी कर लेनी चाहिए। गुनाह में लज्जत तो मिलेगी वक्ती तौर पे, लज्जत खत्म हो जाएगी, वबाल बाकी रह जाएगा। किसी ने आधा घंटा मोबाइल में गुनाह किया तो वो आधा घंटे की लज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका वबाल बाकी रह जाएगा। इसलिए किसी ने बदनजरी की तो उसका वबाल बाकी रह जाएगा। बड़ी खतरनाक चीज है बदनजरी, गुनाह। गुनाह कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कैंसर बहुत तो इंसान को मौत की घाट तक उतार सकता है जरिए के तौर पे, और गुनाह इंसान को जरिए के तौर पे जहन्नम की घाट तक उतार सकता है। कैंसर जाहिरी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, और गुनाह रूहानी बीमारी है, और रूहानी बीमारी ये जिस्मानी बीमारी से खतरनाक हुआ करती है। क्योंकि हर इंसान को मौत तो आनी है, हर एक को जाना तो है ही, कोई भी चीज जरिया बन जाती है, बहाना बन जाती है, वरना बहुत से सही सालिम भी चले जाते हैं, सही सालिम सोए और सुबह उठे ही नहीं। हमारे एक रिश्तेदार ईशा की नमाज के बाद उनके दोस्त की जनाजे की नमाज पढ़ के आए, जवान, एकदम जवान, कुछ वक्त पहले ही, कुछ महीनों पहले ही बंगला बनाया था।
ईशा के बाद अपने एक दोस्त की जनाजे की नमाज पढ़ के आए, तकरीबन कब्रिस्तान जाकर आए, और रात में जब वो सोए तो 1:30-2 बजे के करीब उनका इंतकाल हो गया, वो उठे ही नहीं। उनके ताल्लुक वाले को किसी ने बताया कि भाई आपके फुलान रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, अभी तो वो जनाजे की नमाज में थे। यहां वो ईशा के बाद किसी और की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, उनको ये और किसी और को दफना के आ रहे, उनको ये नहीं पता कि कल इस वक्त मुझे भी दफना दिया जाएगा। मेरी दीनी माओ बहनों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद 20 साल बाद जब अल्लाह ने लिखा हो, जब जाना ही जाना है। ये हमेशा रहने की जगह नहीं है दुनिया, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, ये आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की जगह है। इसलिए अल्लाह का खौफ ऐसा हो कि ये हमें गुनाहों से भी बचा ले। दूसरा, 6 काम बेफायदा होते हैं, उसमें दूसरी बात, जो इंसान ये कहे कि मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें हैं मगर वो अमल करने की कोशिश न करे तो ये उम्मीद भी बेफायदा है। एक इंसान कहे कि मुझे जन्नत चाहिए, बड़ी उम्मीद है अल्लाह जन्नत देंगे, उम्मीद तो बहुत अच्छी है, साथ में अमल भी होना चाहिए, ऐसे अमल जो जन्नत में ले जाने वाले हो। अभी मैं नौसारी में हूं, मुझे मुंबई जाने की उम्मीद हो, कहां जाना है, मैं मुंबई जाने की बहुत उम्मीद है कल, अब मैं न ट्रेन की टिकट ले रहा हूं, न ट्रेन में जा रहा हूं, न बाई कार जा रहा हूं, और मेरे घर बैठे बैठे दुआ करो अल्लाह जन्नत में, अल्लाह मुंबई पहुंचा दे, अल्लाह मुंबई पहुंचा दे, बहुत अर्जेंट काम है मुंबई पहुंचा दे। आप बताओ मैं मुंबई पहुंचूंगा, अल्लाह इस पर कादिर है कि अल्लाह पहुंचा दे, वो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन जो सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की जो सुन्नत है, वो ये है कि असबाब इख्तियार करना होगा। तो असबाब इख्तियार करना, भरोसा अल्लाह पे करना, मुझे तो चाहिए कि मैं ट्रेन में या कार में किसी चीज में सवार हूं और वो चलना शुरू हो जाए और मैं भरोसा अल्लाह पे करूं कि अब अल्लाह पहुंचाएगा, चूंकि अल्लाह चाहे तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है, पंचर भी हो सकता है, कुछ और मामला भी हो सकता है। अब मैं एक मर्तबा सवारी में बैठ गया, अब मैं भरोसा अल्लाह पर करूं कि मेरा अल्लाह मुझे पहुंचाएगा। तो मेरी दीनी माओ बहनों, जन्नत जाना है और जन्नत वाले आमाल करने नहीं। एक बहुत बड़ा तबका फजर की नमाज पढ़ता नहीं और मदीना मुनव्वरा में मरने की तमन्ना रखता है, कैसी अजीब बात है। बहुत सी माए, मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करो। आप देखो ना कितनी अजीब बात है, 4 साल के बच्चे को सुबह 7 बजे स्कूल के लिए उठा देते हैं, 7 बजे स्कूल के लिए उठा देते हैं 4 साल के बच्चे को, और 15 साल के जवान को फजर की नमाज में ये कहकर सुला रखते हैं कि अभी तो बच्चा है। अल्लाहु अकबर कबीर, स्कूल के लिए 4 साल के बच्चे को उठा दिया और 15 साल के जवान को फजर की नमाज के लिए नहीं उठाया। ये हमारा हाल है मेरी दीनी माओ बहनों, आखिरत को सामने रखो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, कोशिश करो हमारे घर का हर आदमी जब लॉकडाउन खुल जाए फजर की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़े। बहुत से लोग कहते हैं माशाल्लाह हम लोग 4 वक्त के नमाजी है, भाई जिस तरह ये 4 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज भी फर्ज है। फजर की नमाज में जिस तरह अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती है, फजर की नमाज के वक्त में कुछ बलाएं और मुसीबतें भी नाजिल होती है, किसको घेर लेती है। फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते उसको घेर लेती है। अब वो रोड पतियों का बच्चों पतियों परेशान रहता है, वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है फिर मैं परेशान क्यों हूं। अरे जनाब, आपने जो फजर की नमाज नहीं पढ़ी ना, इसलिए आप परेशान है। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, अपने घर का माहौल बनाओ, इफ्तारी से पहले सहरी के वक्त में और भी बहुत से औकात है, दुआ कबूल होती है, हम जब भी मांगेंगे अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह।
तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे घर में कोई बेनमाजी न रहे। अभी लॉकडाउन में बच्चों को समझाओ, अजान की आवाज सुन के मस्जिद जाने को जी चाहता है? कहेंगे चाहता है, बहुत जी चाहता है, मन होता है ना मस्जिद जाने को, जी अम्मी चाहता है। वो आपको फौरन कहेंगे बेटा नियत कर लो कि जब लॉकडाउन खुलेगा ना, अब से हर नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फजर की नमाज भी मस्जिद में पढ़ेंगे। बहुत से मर्द हजरात घर में ही पढ़ लेते हैं, हालांकि मस्जिद में आके पढ़नी चाहिए, मस्जिद करीब तो है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो अल्लाह से उम्मीद तो लगाए लेकिन अमल भी करें। नंबर 3, 6 काम बेफायदा होते हैं, उसमें तीसरी बात, आदमी अल्लाह ताला से दुआ तो मांगे मगर अल्लाह ताला से हुस्ने जन न हो तो वो दुआ भी बेफायदा है। कई लोग कहते हैं कि हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं, जब हुस्ने जन ही नहीं होगा तो फिर दुआ क्या कबूल होगी। दुआ जब भी मांगे इस उम्मीद के साथ कि मैं अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा, अब ये सोचते कि मैं तो गुनहगार बहुत हूं मेरी तो दुआ कबूल होगी नहीं, तो फिर उसके साथ ऐसा ही मामला होगा। भाई अभी पूरी दुनिया में जितने इंसान मौजूद है उसमें कौन ऐसा है जो गुनहगार नहीं है? कोई बड़े से बड़ा वली भी ये दावा कर सकता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं बहुत नेक हूं वो कह सकता है? किसी के गुनाह कम है किसी के ज्यादा है, अगरचे हम गुनहगार है, हमें गुनाहों से बचना है, तौबा करते रहना है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे गुनाह कम है अल्लाह की रहमत ज्यादा है। तो जब भी दुआ करे तो इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा, मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही है। अरे माँ का बच्चा नाफरमान हो फिर भी माँ उसकी सुनती है कि नहीं, तो फिर क्या अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा? अल्लाह जरूर सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने फरमा बरदार बंदों में शामिल फरमाए। नंबर 4, नदामत के बगैर इस्तिग़फ़ार बेफायदा होता है। ऊपर से तो पढ़ा है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अब अंदर से माफी का कोई अंदाज ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैं माफी मांग रहा हूं, मैं अल्लाह पाक को सॉरी कह रहा हूं कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह कर लिया मुझे माफ कर दीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह प्लीज अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह पाक सॉरी मेरे से गलती हो गई माफ कर दीजिए। इस्तिग़फ़ार तो करना है, ऐसा नहीं इस्तिग़फ़ार करना बंद करना है, लेकिन कोशिश करे इस्तिग़फ़ार नदामत के साथ करे। हमसे कुछ गलती हो गई हो और हम सामने वाले से माफी मांगे तो किस तरह माफी मांगते? नदामत के साथ। शोहर ने आपके पास पैसे रखवाए हो 1,00,000 रुपए और वो गुम हो गए, शोहर गुस्से में आ गया, तो आप यूं कहोगे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो, यहां वहां देख के कहोगे भाई मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज आप माफ कर दीजिए। कितनी नदामत होगी आप अंदाजा लगाओ। 1,00,000 चले गए तो इतनी नदामत, यहां तो हमने अल्लाह ही को नाराज कर दिया गुनाह करके, जिस अल्लाह के पास हमेशा हमेश के लिए जाना है उस अल्लाह ही को नाराज कर दिया, तो हमें तो कितनी नदामत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, कितनी नेमतें दी। एक फकीर हो उसको आप कहो कि तेरी दोनों आंख दे दे, कोई वक्त का बादशाह कहे कि फकीर तेरी दोनों आंख दे दे तुझे 1,00,000 रुपए देता हूं, क्या वो देगा आंख? तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी आंख, किडनी कितनी बड़ी नेमत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस्तिग़फ़ार करें नदामत के साथ, अपने आप को गुनहगार समझे, कसूरवार समझे, अपने आप को नेक न समझे, नेक बनने की कोशिश करते रहे, गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहे, तवाज़ु इख्तियार करें। नंबर 5, इस्लाहे बातिन के बगैर जाहिर बेफायदा होता है। जाहिर तो एकदम सवार लिया, पता चला कि राबिया बसरिया जैसी लग रही है माशाल्लाह, मर्द जो है वो बायजीद बुस्तामी जैसा लग रहा है, और अंदर बिल्कुल नहीं सवारा, कोई फिक्र ही नहीं कि अंदर उन सवर जाए, हसद निकले, कीना निकले, बुग्ज निकले, अदावत निकले, कल्ब का तस्पिया हो, ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो, बस खाली बाहर से मैं वली जैसा लगना चाहिए और अंदर से कुछ भी नहीं, कोई अमल नहीं, गुनाहों से बचना नहीं, जलवत और खलवत और
तो क्या करे, जाहिर नहीं सवारे का, जाहिर तो सुन्नत, शरीयत सुन्नत के मुताबिक बनाए लेकिन बातिन की फिक्र भी जरूर करे, ये कहना चाह रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाहिर न सवार है, न जाहिर भी सवारना है, लेकिन जाहिर के साथ बातिन पर भी तवज्जो देनी है। भाई चेहरा दिखता है जाहिर में तो इसको साफ रखते, और दिल नहीं दिखता तो उसको गंदा कर रखा है। तो ये चेहरा जिस पर लोगों की नजर होती है इसको तो साफ रखते हैं, मगर ये दिल जिस पर अल्लाह की नजर होती है उसको हमने गंदा कर रखा है। हमें तो चाहिए हम कोई भी अमल करें अल्लाह के लिए करें, तो आप क्या करें, चेहरा गंदा रखे? तो कहना चेहरा भी साफ रखे, दिखलावे की नियत तो करे, चेहरा भी साफ रखे, दिल भी साफ रखे। सफाई अल्लाह को पसंद है, पाकी साफी। अल्लाह ताला हमें शरीयत और सुन्नत की बारीकियों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 6, इखलास के बगैर अमल बेफायदा होता है। बहुत बड़ी नेकी की लेकिन दिखलावा कर दिया, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक बादशाह ने उहुद पहाड़ के बराबर मिसाल के तौर पे सोना खर्च किया और रियाकारी कर दी तो सब जाया हो गया। और एक शख्स के पास कुछ नहीं था, उसने एक गुटली के बराबर जो है सदका कर दिया और वो इखलास के साथ किया तो अल्लाह ताला उसके अजर को बहुत बढ़ा देंगे। इखलास, देखो हीरा होता है ना, हीरा वो देखने में छोटा होता है लेकिन कीमत में मोटा होता है। तो इसी तरह इखलास के साथ जो बंदा अमल करेगा देखने में अगरचे छोटा होगा लेकिन अल्लाह उसकी कीमत मोटी लगाएगा। इखलास पूरा 100% इखलास हो, 100% अल्लाह के लिए, ये नहीं कि 99% अल्लाह के लिए हो, 1% किसी और के लिए, ना 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 ना। मुझे ये बताओ कि आपके होते हुए आपके शोहर किसी और की तरफ देखे, झांक कर देखे, क्या बर्दाश्त करोगे? अल्लाह के होते हुए आप किसी और की तरफ देखे, क्या अल्लाह बर्दाश्त करेंगे? इसलिए जो भी अमल करे अल्लाह के लिए करे। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ भी अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक भी अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम उम्मीदें भी अल्लाह से लगाएं और अमल भी करें, और हमें चाहिए जब भी हम अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा, इस नीयत के साथ करें। और जब भी हम इस्तिग़फ़ार करें नदामत के साथ करें, हम अपने जाहिर को भी संवारे बातिन को भी संवारे, और जो भी हम अमल करें इखलास के साथ करें। अल्लाह ताला हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। हाथ उठाए दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा, हमारी सैयात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अपने आशिकों जैसा रमजान गुजारने की तौफीक और सआदत अता फरमा। अल्लाह आप हमसे खुश हो जाइए, आप राजी हो जाइए। अल्लाह जी आपको राजी करना ये जिंदगी का मकसद बनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपना खौफ अता फरमा, गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमा, आप ही से उम्मीदें लगाने की तौफीक अता फरमा, नेक अमल की भी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कबूलियत की उम्मीद के साथ दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह कसरत से नदामत के साथ इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारा जाहिर भी संवार दीजिए, बातिन भी संवार दीजिए। अल्लाह हर काम हम सिर्फ आपकी रजा के लिए करें, आप ऐसे फैसले फरमाइए। आज की मजलिस को कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमाइए। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो अल्लाह अपने फजल से मुआफ फरमाइए, मुआफ फरमाइए, मुआफ फरमाइए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रोजाना 4 मजलिसें होती है लेकिन आज एक मजलिस जो है वो एक्स्ट्रा मजलिस है, वो सूरत की एक चैनल पर है, इस्लाही बयान पर, शायद इस्लाही बयान है पता नहीं, तो उस पर जो है इंशाल्लाह अभी 2 बजे की मजलिस होगी। अब उस पर जो बातें होगी शायद आपने वो तो सुनी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप सुनना चाहें तो आप जो है अभी बंद करने के बाद, मिक्सलर बंद करने के बाद 4-5 मिनट के बाद जब शुरू करेंगे, 3-4 मिनट के बाद, 2 बजे के बाद,
तो इंशाल्लाह आप वो बयान भी सुन सकोगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और शाम को जो दुआ होगी वह 6:30 बजे होगी, रात की मजलिस 11 बजे होगी, सहरी के वक्त दुआ 3:25 को होगी, और दोपहर में मस्तूरात की मजलिस 1:30 बजे होगी। ये चारों मजलिस तो इंशाल्लाह चांद रात तक चलेगी, और ये जो 2 बजे वाली जो मजलिस है ये सिर्फ आज के दिन के लिए है। अगर सुनना चाहें तो अभी आप, अभी तो मिक्सलर बंद हो जाएगा, 2-3 मिनट के बाद फिर शुरू करके आप सुन सकते हो। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।